विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। यूनिवर्सल आई, आई वन, जो सभी के अंदर एक है, वननेस है। आई टू में ही जिया वह, आई टू से वन, आई वन की तरफ शिफ्ट होते जब तेजम पर तेज मैं, तेज अहम, तेज मैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं, सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, हर जीव हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत
जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भावों में यह प्रार्थना करते रहें, करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। यूनिवर्सल आई वन, जो सभी के अंदर एक है, वननेस है। आई टू में ही जिया वह, आई टू से वन, आई वन की तरफ शिफ्ट होते जब तेजम पर तेज मैं, तेज अहम तेज मैं, तेजम पर जब शिफ्ट होता है तब पता चलता है कि अब असली आनंद लिया जा सकता है। दुखों का कारण पता चल गया, अब यह अहंकार हमें उलझा नहीं पाएगा। आई टू से आई वन तेजम, और फिर जो अंदर चल रहा था कि मेरी राय मान ली जाए, मेरी राय कोई नहीं मानता है तो चोट पहुंचती है, या मेरी राय को कोई गलत कहता है तो चोट पहुंचती है। अपनी कोई चीज़ खो गई छोटी सी भी तो कितना दुख होता है, और दूसरे की बड़ी चीज़ भी खो गई तो कोई दुख ही नहीं हो रहा। सुना, एक कान से दूसरे कान से निकल गया, उल्टा सामने वाले को राय देंगे संभाल के रखना चाहिए था। अहंकार कैसे सोचता है, मेरी अच्छाई कितनी बड़ी अच्छाई है, सामने वाले की अच्छाई कोई खास बात नहीं, ऐसे तो बहुत लोग हैं। किसी ने बता रहे फला फला पर्सन ऐसा गुणवान है, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। मगर कोई उसका गुण बताए तो वो छोटा गुण उसको बहुत बड़ा लगता है कि ये मेरी विशेष बात है। और ये विशेष मानने के पीछे रहस्य क्या था, वो कमज़ोर था, उसको विशेष क्यों माना गया। बच्चा कमज़ोर था, बकरी का बच्चा कमज़ोर था, वो छोटा बकरा कमज़ोर था। जो बक रहा है, बकरा बक रहा है, मैं विशेष। मगर आपको मालूम कि उसको विशेष ट्रीटमेंट क्यों दी गई, कि वो कमज़ोर था, वो ये बात भूल गया। क्या होता यदि एक परिकल्पना करके देखें कि माँ बच्चे को 2.5 साल पेट में रखती, ऐसा होगा नहीं कभी। एक परिकल्पना की कि 2.5 साल के बाद अगर बच्चे माँ के पेट से बाहर आते तो उतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी बच्चे के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी, मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ, वह टूट जाती है। वो जो विशेष मान लेते, इतना ख्याल रखा गया, उसको ये एक पल के लिए पकड़ में नहीं आती बात कि उसका ख्याल इसलिए रखा गया कि वो फ्रजाइल है, नाजुक है। तो फिर बच्चे अगर ऐसे पैदा हुए तो उनको यह भाव कम होगा, सिर्फ इसी से ही भाव कम होगा ऐसा नहीं है। फिर परवरिश का पहलू आता है, परवरिश स्कूल कॉलेजेस सभी वैसे बच्चे होने लग गए तो वो अहंकार बचपन से वैसा तैयार नहीं होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।